So, hi everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing great. So, friends, finally, as an एम टी एस एम्प्लॉय इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पूरे एक मंथ कम्प्लीट हो चुके हैं एंड एक मंथ कम्प्लीट होते के साथ मेरे पास आ चुकी है मेरी सैलरी तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सैलरी को डिस्कस कि एक एम टी एस एम्प्लॉय की आकर सैलरी कितनी बनती है स्टार्टिंग में ठीक है तो जो सैलरी होती है वो अकॉर्डिंग टू योर सिटी डिफर करती है आप एक सिटी से हो तो आपके जो एच uh, आर ए हैं वो ज़्यादा बनते हैं ठीक है फिर उसके वजह से मतलब स्लाइट डिफ्रेंस हमें देखने को मिलता है ठीक है और उसके बाद तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हूँ अभी वाई सिटी में ठीक है तो वाई सिटी के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा कि सैलरी कितनी बनती है तो मैं सब कुछ डिस्कस करूँगी ठीक है कि कितना डिडक्शन हो रहा है कितना बेसिक पे है सब कुछ ठीक है ओके तो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले जो एम का बेसिक पे होता है बेसिक पे है एटीन ठीक है एटीन बेसिक पे है ठीक है तो इस 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 चीज़ को देख करके बहुत कोई सोचते हैं ना कि बीस हज़ार के लगभग सैलरी है एम की ठीक है बट इट्स नॉट लाइक दैट ठीक है सबसे पहले तो आपका बेसिक पे है एटीन थाउजेंड उसके बाद जो डी होता है डी अभी फिफ्टी परसेंट चल रहा है तो आप फिफ्टी परसेंट निकालो बेसिक पे का तो आपको पता चलेगा नाइन थाउजेंड वो होता है ठीक है तो एटीन थाउजेंड प्लस नाइन थाउजेंड ये जो डी है डी क्या होता है डियरनेस एन अलाउंस होता है जैसे हम हिंदी में बेसिकली कहते हैं महंगाई भत्ता तो नाइन थाउजेंड ये आपका ऐड हो जाता है ठीक है फिर उसके बाद हमें मिलता है एच ठीक है जो कि है हाउस रेंट अलाउंस ठीक है वो है थर्टी सिक्स हंड्रेड यही इसी के बारे में मैंने बोला था कि एच जो होता है एक्स सिटी वाई सिटी जेड सिटी में अलग अलग सा होता है ठीक है फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप लोग को वाई जो एक सिटी होती है जिसमें कि दिल्ली आ गई कर्नाटका हमारा आ गया ठीक है तो उसमें जो एच मिलता है वो फिफ्टी फोर हंड्रेड मिलता है ठीक है जबकि वाई सिटी में कितना मिलता है थर्टी सिक्स हंड्रेड मिलता है जो कि मुझे मिला है एंड जो जेड सिटीज़ होती हैं ठीक है तो उन उनमें आपको एटीन हंड्रेड मिलता है ठीक है तो ओके okay, उसके अलावा मुझे मिला है और ट्रैवलिंग अलाउंस ठीक है जो कि है वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी ठीक है तो अब आप इन्हें जब प्लस करोगे तो एटीन थाउजेंड प्लस नाइन थाउजेंड प्लस थर्टी सिक्स हंड्रेड प्लस Uh, 1350 तो आपका टोटल जो इमेल्यूमेंट बन जा रहा है वो कितना है मतलब ग्रॉस पे जो हमारा बनता है वो है 31950 ठीक है 31950 ये हमारी ग्रॉस सैलरी बनती है एज एन एम ठीक है तो ठीक ठाक सैलरी है कह सकते हैं फिलहाल के लिए ओके बाकी आ, ये वीडियो सैलरी पर है नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो बनेगी कि इस सैलरी से कुछ हमारा बचा भी या नहीं बचा उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे ठीक है उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि जो नेट पे है वो देखिए जो टोटल हमारा ग्रॉस बनता है ठीक है उसमें से अब डिडक्शन होने हैं कुछ ठीक है डिडक्शन किसके लिए वो भी मैं बता देती हूँ बाकी हमारा जो ग्रॉस बना वो थर्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी कह सकते हो आप लोग सिंपली थर्टी टू थाउजेंड है ये ठीक है अब उसके बाद देखूँ कि डिडक्शन आप कुछ होने हैं ठीक है थीके? सबसे पहले पहला जो डिडक्शन है वो टेन रुपीज़ का है वो क्या है सी जी ई जी आई एस है मतलब बेसिकली ये एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है ठीक है उसके लिए दस रुपये कटते हैं हर महीने ठीक है उसके बाद आपका है जो पेंशन के लिए जो कटती है वो टायर वन यहाँ पर दे रखा है ठीक है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड या सिंपली कह सकते हो टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड इतनी हमारी कटेगी तो सबसे पहला ये जो गवर्नमेंट रिकवरीज़ है वो 2710 है ठीक है सबसे सब पहले गवर्नमेंट इतने पैसे क्या करेगी कट कर देगी ठीक है उसके बाद मतलब ऐसा समझो कि जो पेंशन से कट हो मतलब पेंशन के लिए जो भी कट हो रहा है तो गवर्नमेंट उसमें अपने साइड से 2700 उसमें ऐड करेगी ठीक है मतलब कि वो उस डबल हमारे अकाउंट में जमा हो रहा है फॉर फ्यूचर ठीक है तो अभी बस बेसिकली इतना ही समझो कि इतना डिडक्शन हो रहा है ठीक है नेक्स्ट आप देख लो हाँ अब नेक्स्ट क्या है आई ठीक है फेडरेशन होता है इनकम टैक्स एम्प्लॉज फेडरेशन उसके लिए आ, ग्रुप वन है ग्रुप टू है और दोनों में फिफ्टी फिफ्टी रुपीज़ का डिडक्शन होता है ठीक है मतलब कि जो हमारा टोटल डिडक्शन यहाँ से बनता है वो होता है टू थाउजेंड एट हंड्रेड टेन का ठीक है अब आप लोग जो हमारा टोटल ग्रॉस पे बना था उसमें आप लोग जब इसको डिडक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा जो हमारी नेट पे आ रही है मतलब इन हैंड जो मेरी सैलरी मेरे हाथों में आ रही है वो कितनी है ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी इतनी मेरी नेट पे बनी है ठीक है तो ठीक है चलो ठीक ठाक सैलरी है अब बस ऐसा है ठीक है तो यहाँ से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो सोचते है कि सोचते हैं कि बेसिक पे क्या है एटीन थाउजेंड तो बस हमें एटीन थाउजेंड मिलने वाला है तो ऐसा नहीं है ठीक है थिंग्स आर बेटर हेयर आपको डीए मिलेगा एच मिलेगा टीपी टी अलास जो मिलेगा तो ये सब मिला करके हमारा ठीक ठाक सैलरी बन जाता है ठीक है बाकी बस यही था आप लोग मतलब आप लोगों की क्वेरीज़ थी कि एम की क्या स्ट्रैटी रहनी चाहिए ठीक है तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सेवंथ मई ठीक है ताकि आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाए और बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को अच्छे से स्ट्रैटी और क्या क्या कौन फील कर सकते हैं कौन एलिजिबल है सब कुछ अच्छे से मैं डिस्कस करूँ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट ठीक है ना सिर्फ हम लोग स्ट्रैटजी डिस्कस करेंगे बट मैं इस जर्नी में आप लोगों की हेल्प भी करूँगी ठीक है वी विल टेक आ, लाइव क्लासेस ठीक है जिसमें कि मैराथन टाइप में हम लोग क्या करेंगे सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे ठीक है तो देखो ये जो सेंट्रल uh, जॉब मतलब अगर आप एस के थ्रू लेते हो ठीक है आप किसी भी पोस्ट पर हो तो सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है ठीक है तो इस टाइम हम लोग मैराथन कर सकते हैं जैसे कि मान लो कि हमने टारगेट रखा कि इस वीक मैंने आप लोगों को टारगेट दे दिया कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट करनी है ठीक है सैटरडे को हम लोग क्या कर सकते हैं सैटरडे को एक मैराथन सेशन मैं आप लोगों का ले लूँगी ठीक है उसके बाद संडे को हम लोग क्या करेंगे उसकी एम बहुत सारी लगा लेंगे ठीक है जो भी आपके एस .E. में मोस्ट uh, रिपीटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे ठीक है अब एक कुछ बच्चों की कह रही थी कि जो टेंडर है वो चेंज हो चुका है तो uh, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्पफुल होगा बिल्कुल हेल्पफुल होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज कुछ वैसा नहीं आने वाला है ठीक है जो आपका सिलेबस है वो काइंड ऑफ सेम रहेगा मे भी हो सकता है उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाए बट जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि बुद्धिज़म है ठीक है आर्ट एंड कल्चर से जो भी आपका क्वेश्चन आता है नेशनल पार्क से क्वेश्चन आता है ठीक है तो ये सारे टॉपिक्स आपके बदलने नहीं जा रहे ठीक है ना तो बेसिकली जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है वो तो हम अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाएंगे ठीक है तो ठीक है एम की जो स्ट्रैटजी है वो प्रॉपर मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ उसके लिए बिल्कुल फिक्र मत करिए ठीक है थीके? जैसे नोटिफिकेशन आएगा फर्स्ट वीडियो विल बी माइंड ठीक है तो बस इसी तरह से आप लोगों ने सैलरी स्लिप देख ली अब देखो एम जो है कुछ भी है तो एम क्या है सबसे अगर आप देखोगे ऐसे रैंक वाइज देखोगे तो सबसे लोअर में आएगी ठीक है तो आगे बढ़ते रहना है ठीक है इस चीज़ को आप लोग एक ऐसा देख सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए के लिए आप लोग चूज़ कर सकते हो ठीक कर, है बाकी प्रिपरेशन अपनी सी की भी करते रहिए एंड आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जो भी सी जी जिसके भी इस पेरेंट्स रहते हैं ऐसा नहीं है कि वो एम का फॉर्म नहीं भरते ठीक है उनको भी है कि हाँ चलो उधर नहीं हो पा रहा तो कहीं भी एक जगह एडजस्ट हम हो जाए ठीक है ओके तो वर्क एक्सपीरियंस भी आप लोग बोल रहे थे शेयर करने के लिए बट ये वीडियो आई थिंक मुझे पेमेंट तक ही जो सैलरी है वहीं तक लिमिटेड रखनी चाहिए ठीक है इन अनदर वीडियो आई शेयर द वर्क प्रोफाइल ओके सो बाय बाय टेक केयर आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू